बादलों के बीच में है बिल्कुल। पे ये आपको दिख रही है पजारो, कलर काफी अच्छा है, इसमें कुछ खास मॉडिफिकेशन उतनी नहीं है, बट ये चीज है ना जो अभी मैं जस्ट उठा हूँ, काफी ज्यादा मेस्ड अप है सारा सिस्टम। ये हमारा टेंट है, ये ऐसे खुलेगा और भाई साहब ये आप देख सकते हैं, ये है सुबह के सीन। जूते गीले हो चुके हैं रात को, एक्चुअली तो मैंने यही बाहर रख दिए थे, तो पहन लेते हैं अभी, क्या करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। हम रात को इस टेंट में रुके थे, काफी ज्यादा सही है, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल। बारिश भी हो रही थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये पूरी रात बारिश होती रही, कल भी बारिश हो रही थी, आज ही पूरी रात। कल हम लोग वहाँ मतलब टाउन के अंदर रुके थे, आज हम यहाँ से निकल जाएंगे गुरेज से और श्रीनगर तक पहुँचेंगे, क्योंकि घर तो नहीं पहुँचा जाएगा किसी भी हालत में। सामान वामान पैक कर लेते हैं, मैंने अपनी स्लीपिंग बैग पैक कर ली है, बैग मेरा वहाँ पे है, और देखते हैं कि बाकी लोग कहाँ पे हैं। हेमंत भैया और हिमांश भैया बातें लोग कर रहे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसी रही आपकी रात? रात बहुत रंगीन थी हमारी, वी हैड फन, दैट वेदर वाज रियली वेरी ऑसम, डू कम अलोंग विद द चैनल। फिर वापस पता नहीं कब आएंगे कब नहीं, लेकिन जो ये एक्सपीरियंस ले लिया ना, अल्टीमेट। और इससे ज्यादा सही लोकेशन आपको कभी मिल ही नहीं सकती यार, देखो नदी है साथ में, टेंट लगे हैं, पहाड़ हैं और बारिश हो रही है और इतनी खूबसूरत गाड़ियां लगी हैं। तो यहाँ पे हमें उमर भैया मिल चुके हैं, थैंक यू है कि उन्होंने ये सब अरेंज किया है। इतना ही बोलना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि इस जगह को अगर आप यूज करते हो, कचरा अगर यहाँ पे रहता है तो जाने के टाइम वो साथ ले जाएगा। इतनी खूबसूरत जगह है और इसे हमें खराब नहीं करना। और ये जो सीन्स है भाई साहब, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, एक से बढ़िया एक गाड़ी मिलेगी आपको यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा कीचड़ है, गाड़ियाँ चढ़ नहीं पा रही है क्योंकि इसका फोर व्हील ड्राइव काम नहीं कर पा रहा है। आगे भी दिक्कत आ सकती है, बारिश ही बारिश हो रखी है हर जगह, रास्ते में कहीं लैंडस्लाइड नहीं हो, देखते हैं जल्दी आगे। भाई साहब ये सीन आप यहाँ पे देख रहे हो, बादलों के बीच में है बिल्कुल, तो बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। जो गुरेज आने तक का रास्ता है ना, वो भी अपने आप में पॉपकॉर्न से कम नहीं है। आज जो बारिश हो रही है ना, उससे काफी बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं रोड के ऊपर। हेमंत भैया की गाड़ी वहाँ पीछे है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उनका, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं देना है हमें, साथ साथ चलना है। खूबसूरती ऐसी है कि अपनी बातों से मैं वो बयान नहीं कर सकता, बस देख लो जो आपको दिख रहा है। तो जी फिलहाल हम रुके हैं राजधान पास। ओ भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, फोटोग्राफी चल रही है क्योंकि राजधान पास हम वापस आने वाले हैं, नहीं आने वाले कोई पता नहीं है, तो आज फोटो खिंचवाना ही बनेगा। बारिश की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही है, आप देख सकते हैं हर बार ये हो जाता है तो इसे साफ करना पड़ता है, और वैसे भी विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। ये वो वाली लोकेशन है जहाँ हम उस दिन रुके थे,
रुक चुके हैं इस ढाबे, चाय वाय लेंगे। ये जो जिप्सी है ना, ये एक रैली जिप्सी है। इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो आप ये देख रहे हो, मतलब ये इसमें रोल केज लगी हुई है, ये चीज मॉडिफाई की गई है, लीवर्स वगैरह इसके। और ये रैली सीट्स है, रैली गाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट रहती है तीन चीजें, रोल केज, रैली सीट्स एंड टायर्स। बाकी सस्पेंशन वगैरह आपकी मर्जी है, अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो। एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स, क्योंकि रैली में आप रुक नहीं सकते, दो स्टेपनीज, क्योंकि रैली गाड़ी में आपको हर एक चीज जो ऑन द गो, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी तो आपको साथ रखनी पड़ती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये फिलहाल पता नहीं डे कौन सा है, 3 या 4 है, काफी ज्यादा क्योस हो चुका है, समझ नहीं आ रही है। फिलहाल हम कश्मीर में हैं, गुरेज से वापस आ चुके हैं और वापस निकलेंगे। आज का प्लान ये है कि दूसरा जो रामबन वाला रोड है वो रास्ता बंद है, तो हम जिस रोड से आए थे, मतलब मुगल रोड से आए थे, तो मुगल रोड से ही हम जाएंगे वापस। एक वर्कशॉप है वहां हम विजिट करने के लिए जा रहे हैं, और बस सुबह का मौसम है, बारिश बारिश हो रही है, काफी बढ़िया है। देखते हैं क्या सीन्स बनने वाले हैं, जो भी होगा आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो चीज इसको ऐसे कंटेनर पानी के लिए यूज किया गया, हाँ? यहाँ से ऐसे एयर टाइट है तो इसको थोड़ा सा आप यूज करोगे यहाँ से। और बेसिकली ये जो चीज है ना, इसमें मोटार शेल्स आते हैं, तो इसको कितना क्रिएटिवली यूज किया है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं। ये आपको दिख रही है पजारो, कलर काफी अच्छा है, इसमें कुछ खास मॉडिफिकेशन उतनी नहीं है, जैसे विंच लगा हुआ है एक और लाइट्स वगैरह, बट ये चीज है ना जो टाटा सुमो, सबसे पहले कलर आपको दिख रहा है और बाकी हर एक चीज इसमें ना मॉडिफाई, मतलब अपने आप ना कि एक कंप्लीट व्हीकल है, रिकवरी अपने खुद कर लेगा। विंच वगैरह लगा हुआ है, लिफ्ट जैक लगा हुआ है और ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, तो इसके अंदर कारवा टाइप जो है सेटअप भी वो भी किया गया है। बट फिलहाल क्या है कि हमें जल्दी निकलना है, इसलिए हमारे पास टाइम कम है। ये आप देख सकते हैं मैनुअल विंच है, ये चीज काफी ज्यादा यूनिक है, मैनुअल विंच अंदर से, ये आप देख सकते हैं 3 सीट है इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफी पुरानी गाड़ी है। हम रुक चुके हैं पीर की गली में, मैं और अरविंद भैया, हेमंत भैया को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है तो वो आगे निकल गए हैं, बाकी बंदे अभी आए नहीं है, ठंड है जो काफी ज्यादा लग रही है। ये है सीन्स यहाँ के, 5 बज रहे तो आज घर काफी लेट पहुंचने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा घर जम्मू से रास्ते में ही आएगा तो मैं अपने घर ही रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगभग 3 हफ्ते हो गए घर से निकले हुए और मैं घर नहीं गया हूँ। डिप विच करके चिप्स एंड दही। अच्छा, तो ये भी हम ट्राई करने वाले हैं आज फर्स्ट टाइम में। आपने वैसे पहले किया ट्राई? नहीं। गुड, अच्छा है। आपको अच्छा नहीं भी लग सकता, जरूरी नहीं है पर मुझे ठीक लग रहा है कि जब आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो फिर आपको जो मिले ना वो खाना चाहिए, फिर उस टाइम आपके नखरे नहीं होते, कंफर्ट नहीं होता कि ये मुझे अच्छा लगता है ये नहीं लगता। ट्रैवल करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, आपकी बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, फिर भले ही वो आपको टेस्ट में अच्छी लगती है नहीं लगती मैटर नहीं करता, राइट? बिल्कुल। तो फिलहाल मैगी हमारी आ चुकी है, हालांकि तो खा ली है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, तो मृगांग पे और कितना पीछे है, इसलिए हम निकलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, बादल ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 देखो ना, ये खूबसूरती होती है। अभी बैठे थे, बिल्कुल साफ था, और अब बादल आप देख रहे हो, और ये इतनी तेज, मतलब कि टाइम लैप्स लगाने की जरूरत भी नहीं है, ये ऐसे ही आपको एविडेंट है, ऐसे ही दिख रहा है। तो यहाँ से निकलेंगे फिलहाल, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है और मुझे घर पे कॉल करके बताना है कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं ऑन द वे हूँ, नहीं तो मम्मी पापा को चिंता हो जाएगी कि कहाँ चला गया। बाय बाय, चलो। अभी घर ही जाने वाला हूँ मैं, जम्मू नहीं जाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे घर के काफी टाइम हो चुका है। मिगांग भी हमारे साथ नहीं है, उनकी गाड़ी शोपिया में ख़राब हुई, वो हमसे 1-1.5 घंटा पीछे थे और वहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं, फिर वो वहाँ से वापस चले गए, फिर वो आज से नगर में ही रुक गए। उम्मीद करता हूँ ये गुरेज वाली सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी एडिट भी बहुत सारी वीडियोस करनी है, लगभग 6 दिन हो चुके हैं मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, तो इतना गैप देना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो गया। तो बस ये है, अपना प्यार दिखाते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, एंड मिलते हैं आपसे।